हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर अर्चना राठौर। बच्चों, आज हम केजी सेकंड क्लास में प पतंग का, फ फल का, ब बकरी का, भ भालू का और म मछली का लिखना सीखेंगे। देखिए, हम प पतंग का बना रहे हैं। पहले एक छोटी सी लाइन खींचिए, फिर उसको इस तरीके से यहाँ तक घुमाइए, फिर ऊपर से एक सीधी लाइन नीचे तक लाइए। ये क्या हुआ बच्चों? प पतंग का। एक बार और देखिए, एक छोटी सी लाइन खींचना है, फिर उसको इस तरह से इधर घुमाना है, ऊपर से एक और सीधी लाइन खींचकर नीचे तक लाना है। ये क्या बच्चों सीखा हमने? प पतंग का। अब हम फ फल का लिखना सीखेंगे। प पतंग का बनाया था हमने, इसी तरीके से हमको प पतंग का पहले बनाना है, फिर उसको इधर से थोड़ा सा इस तरीके से घुमाना है, ये प फल का बन जाएगा। एक बार और देखिए, सीधी एक छोटी सी लाइन खींचकर उसको इस तरफ से घुमाना है, ऊपर से एक सीधी लाइन खींचेंगे, फिर उसको इस तरीके से घुमाएंगे। ये क्या हुआ बच्चों? फ फल का। अब हम ब बकरी का लिखना सीखेंगे। एक ऊपर से नीचे तक सीधी लाइन खींचेंगे, फिर बीच में से इस तरह से गोल घुमाते हुए लाइन के पास में लाएंगे, फिर गोले में बीच में एक सीधी लाइन खींच देंगे। एक बार और देखिए, सीधी लाइन खींची, फिर बीच में इस तरीके से घुमाकर लाइन के पास तक लाएंगे, फिर इस गोल में एक लाइन हम इस तरह से खींचेंगे। ये क्या हुआ बच्चों? ब बकरी का। अब हम लिखेंगे भ भालू का। देखिए आप, थोड़ा सा इस तरीके से गोल घुमाइए, फिर उसको छोटा सा गोल घुमाते हुए पीछे की ओर घुमाएंगे, ऊपर से एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये क्या हुआ? भ भालू का। एक बार और देखिए, छोटा सा गोल घुमाया, ऐसी लाइन खींची, फिर इस तरीके से फिर से घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे, फिर ऊपर से एक सीधी लाइन लाएंगे। ये क्या हुआ बच्चों? भ भालू का। अब हम लिखेंगे म मछली का। ऊपर से एक छोटी सी लाइन खींची, उसको इस तरीके से गोल घुमाते हुए पीछे की ओर एक लाइन खींची, ऊपर से एक सीधी लाइन नीचे तक लाए। ये क्या हुआ बच्चों? म मछली का। एक छोटी सी लाइन खींची, फिर उसको इस तरीके से गोल घुमाते हुए पीछे तक एक लाइन खींचेंगे, फिर ऊपर से एक और सीधी लाइन नीचे तक लाएंगे। ये क्या हुआ बच्चों? म मछली का। बच्चों, आज हमने प पतंग का, फ फल का, भ बकरी का, भ भालू का और म मछली का लिखना सीखा है। आप भी अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में इसे लिखिए और अभ्यास करिए लिखने का।